ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली तमाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हुकुद्दीन सिद्दीकी, हुआ प्रदेश अध्यक्ष औलिया बिहार। मेरा मोबाइल नंबर है 8994-559-8799। जैसा कि आप हज़रात ये बात मालूम है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने 22 मदारिस की असनाद को तकरीर के लिए मंजूरी दी थी। उन 22 मदारिस ने दारुल देवबंद, नदवतुल उलमा, मज़ाहिब सहारनपुर, शाहिद आबाद, इसी तरीके से रियासत बिहार के भी कई इदारे का नाम जिक्र है। लेकिन अखबार के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप ये बात मालूम की होगी कि एक और मदारिस के नाम का इजाफा किया गया है। वो नाम है दारुल वक्फ देवबंद। साथ ही वायरल खबरों के मुताबिक इन 23 मदारिस से फारिग होकर तालिबात अगर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से तालीम हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो उनका दाखिला दायरे मुल्मी में होगा, उनका इशारा दायरे मुल्मी में होगा, यानी वस्तानिया और कानिया करने की जरूरत नहीं। तो दूसरी तरफ ये बात भी लिखी हुई है कि उनकी तकरीर की जा सकती है, क्योंकि ये वजाहत कर दिया जाए कि जब मुल में दाखिला लेंगे तो उनकी अगर तकरीर होगी तो किस पोस्ट पे होगी। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे अहम बात वो बात ये है कि अगर मुल करने के बाद फिर आलिम करेंगे, आलिम करने के बाद अगर वो बीए करना चाहते हैं, जबकि बीए में मैट्रिक की सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है, और 23 मदारिस से फारिग होकर तालिबात फौकानिया नहीं जा रहे मौलवी यानी इंटर में एडमिशन लेंगे, तो उनके पास मैट्रिक की यानी 10वीं की सर्टिफिकेट नहीं होगी, तो क्या बीए कॉलेज इन 23 मदारिस असनाद को फौकानिया मैट्रिक की मान्यता दिया जाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, स्टूडेंट्स से पूछते रहे हैं, पेरेंट्स से पूछते रहे हैं कि अगर मैंने अपने बच्चों को मोल और आने के बाद अगर बीएड में एडमिशन लेना चाहा तो क्या मेरा मेरे बच्चों का बीएड में या मेरी बच्ची का बीएड में एडमिशन होगा नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार स्टेट एजुकेशन के चेयरमैन जनाब क्यूम अंसारी साहब इसका जवाब जरूर देंगे, और अगर बीएड कॉलेज इन 23 मदारिस असनाद को मैट्रिक यानी 10वीं की सर्टिफिकेट की मान्यता मिलती है तो ये बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब क्यूम अंसारी साहब काबिले तारीफ हैं, काबिले ताइश हैं, उतनी ही तारीफ के लायक बिहार बिहार वजीर आला जनाब नीतीश कुमार है कि उन्होंने एक ऐसे मेहनती ईमानदार को मदरसा के चेयरमैन बनाया जो मदरसे की तरक्की मदरसे के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमेशा कोशिश कर रहे हैं। मैं आखिर में फिर से ये कहना चाहता हूं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन के चेयरमैन जनाब क्यूम अंसारी साहब इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, चाहे वो अखबार के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो या दीगर ज़रिया के जरिए, वरना ये अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि ये स्टूडेंट्स के साथ बड़ा धोखा है, उनके लाइफ साथ सालवार हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें सदकाए जारिया की नियत से।